जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मैं सौरभ और आप देख रहे हैं सोरिक मोटो वर्ल्ड। और गाइज, मेरे पीछे आप दो स्पेशल बाइक देख पा रहे हो। दोनों बाइकों में जो है बहुत ही ज़्यादा टक्कर है। ये है पल्सर 125 और वो है होंडा का सबसे फेमस बाइक SP 125। दोनों बाइक काफ़ी ज़्यादा बिकता है हर महीना, हर दिन, हर साल। तो दोनों बाइक का आज बेसिकली हम लोग रेस करने वाले हैं। मेरे साथ है अरिंदम फ्रॉम मोटो रिडिफाइंड चैनल। आप लोग चैनल अगर नहीं देखे तो इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप जरूर इनका चैनल को आप चेकआउट कर सकते हो। आप लोगों के लिए हम दोनों ऐसी और भी सीरीज और वीडियो लाते रहेंगे। हाँ। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इनकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। हाँ, डेफिनेटली। और आज बेसिकली हम लोग दोनों मिलकर ये दोनों बाइक का परफॉर्मेंस वगैरह टेस्ट करने वाले हैं। किसका इनिशियल बेटर है, किसका मिड रेंज ज़्यादा है, किसका परफॉर्मेंस कैसा है, सब कुछ डिटेल में आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और दोनों बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो आज का वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं एकदम GoPro सेटअप में आके। फाइनली मैं आ चुका हूँ पल्सर 125 के ऊपर, और ये जो है स्प्लिट सीट डिस वेरियंट, और अरिंदम है SP 125 के ऊपर। अभी ये दोनों का रेस करने वाले हैं, दोनों का क्या परफॉर्मेंस रहता है। तो अभी बाइक को स्टार्ट करते है। दादा तीन हॉर्न के साथ स्टार्ट करते हैं। तीन हॉर्न मैं निकलने वाला हूँ और SP भी बगल में है। ओह माय गॉड, 828, लेकिन SP अभी पीछे हो चुका है। तो पल्सर 125 अभी जो है 9900 अभी दौड़ रहा है। और वो एकदम पीछे स्लिप स्ट्रीम दे रहा है अरिंदम। तो अभी देखते हैं अरिंदम स्लिप स्ट्रीम लेके आ रहा है। अभी गाड़ी जो है 109, ओ माय गॉड 109। और अरिंदम बगल में है, अरिंदम बगल में है, स्लिप स्ट्रीम लेके आ रहा है। 111 भी गया था और अरिंदम अभी भी हेड टू हेड बटन चल रहा है। और अरिंदम स्लिप स्ट्रीम लेने का कोशिश कर रहा है और अभी अरिंदम तो इस साइड से तो पल्सर, ओ माय गॉड, पल्सर का ब्रेकिंग काफी अच्छा है भाई, मस्त ब्रेकिंग है। मैं बता रहा हूँ, मेरे से शिफ्टिंग की गड़बड़ी हो गई। हाँ, वो अभी उसमें वो रेड लाइन भी हुआ था, थोड़ा रेड लाइन से गड़बड़ी हो गई मेरे से। यू टर्न लेते हैं अभी यहाँ से और एक बार हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। तीन हॉर्न, ठीक है। कोशिश कर रहा है 115।
सी, बाप रे बाप, पल्सर क्या दौड़ता है। तो इस टाइम पे भी पल्सर जीत गया है, तो उधर जाके और एक बार राइडर चेंज करके देखेंगे। कितना गया था इसमें? 111 चला गया था। मैंने स्लिप स्ट्रीम किया, 116 गया था इसमें, 111 चला गया था। और भाई स्लिप स्ट्रीम में ये गजब स्पीड ले रही है, 111 112 तक जा रही है ये। अरे ये तो बिना स्लिप स्ट्रीम के 116 पहुंच गया। पल्सर पल्सर है भाई, पल्सर इज पल्सर भाई। लेकिन एक बात है, अगर शायद मेरी वेट कम होती ना तो ये पल्सर को शायद पकड़ सकती थी। मेरे वेट के वजह से शायद ये थोड़ा पीछे रह गया। आपका वेट मेरे से अराउंड 15-20 किलो कम है। उतना होगा? हाँ, मेरा 74 है भाई, आपका 55 है। मेरा 50, हाँ, मतलब समझ के चलिए 18-19 किलोग्राम आपका ज़्यादा है। हम लोग राइडर स्वैप कर लिए हैं, तो अभी तीनों हॉर्न के साथ स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मैं तो अभी निकल चुका हूँ। ओ माय गॉड, ओरिंदम काफी पीछे है और आई थिंक ओरिंदम के साथ कुछ हुआ था। एक बार वो आने के बाद एक बार पूछ लेंगे। ओरिंदम काफी पीछे है। और इन दम और एक बार उस साइड से भी एक बार रेस करेंगे, तो देख लेंगे। अभी तो साइन जा रहा है 101-102 और इन दम थोड़ा डिस्टेंस और इन दम का कम हो रहा है। पल्सर आ रहा है काफी तेजी से। नहीं, अभी तो डिस्टेंस जो है सेम हो चुका है, तो मेरे को स्लिप स्ट्रीम भी कर नहीं पा रहा है। तो अभी और एक बार उधर से जाके एक बार देख लेते हैं क्या होता है। और इंदम अभी भी पीछे है। पल्सर का ब्रेकिंग काफी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है पल्सर का ब्रेकिंग। तो यहाँ से एक बार यू टर्न लेते हैं। और इंदम कुछ दिख, लॉन्च पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, लॉन्च पे। हाँ, तो यहीं पे एक बार और एक बार चालू कर लेते हैं, तो तीन होने के बाद ठीक है। हाँ चलिए। अभी भी मैं आगे हूँ। अच्छा, ओरिंदम को थोड़ा निकलने देते हैं, उसके बाद देखते हैं। अभी आ रहा है ओरिंदम, निकलने वाला है, काफी तेजी से निकल रहा है और निकल गया। अभी स्लिप स्ट्रीम लेके देखते हैं। एक सौ ग्यारह, 112, 113। ओ माय गॉड, निकलने वाला वो। ओ माय गॉड, भाई बगल में था। ओ भाई, हेड टू हेड भाई।
आपको वेट का एडवांटेज मिल रहा है भाई, हेड टू हेड मैं स्लिप स्ट्रीम लेके तो पूरा आ गया था बगल में। मैं आपको वहाँ पे, मैं आपको वहाँ पे निकलने के लिए दिया तो और एक क्या रेस करके देखना चाहिए कि यही रिजल्ट डिक्लेयर कर देते कि क्या बोलते हो आप? तो अभी क्या मतलब इसमें क्या बोल सकते, मैं तो उस टाइम आपको निकलने के लिए दिया। अगर आपने, अगर ये आगे निकल गई हाँ पकड़ना मुश्किल है। हाँ लेकिन स्लिप स्ट्रीम करके मैं पूरा पीछे एकदम साइड में बगल में चल रहा था, मेरा पास फुटेज है। इसमें मेरे को प्रॉब्लम क्या समझ में आ रहा है ना, इसमें इनिशियल ये इसका इनिशियल स्ट्रांग है क्योंकि, लेकिन मैं तो उस टाइम तो इसको निकाल दिया था एकदम इनिशियल में। सुनिए आप जब इस बाइक को चला रहे थे ना हाँ, तो आपका क्या था वेट कम था हाँ, तो इनिशियल में प्रॉब्लम नहीं हुआ हाँ, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर आया हाँ, यहाँ पर इसका आपके पास यहाँ पर क्या था, इसका इनिशियल भी स्ट्रांग था हाँ, वेट भी कम था। अच्छा आप आगे निकल गए तो इसमें क्या क्या बोल सकते हैं, इसमें मतलब कौन जीता है ये तो भाई, ये हेड टू हेड टक्कर है, हेड टू हेड टक्कर हो गया। एक्सीलरेशन में एसपी बहुत बढ़िया है, एसपी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं जब पल्सर से निकला था, लेकिन मैं जब पल्सर से निकला था तब मैं आगे था। हाँ ये आपको इसमें अब मैं बता तो रहा हूँ आपको, आपका वेट का एडवांटेज, वेट का एडवांटेज मिला है। और ये बाइक का एक्चुअली तो वेट भी ज्यादा है, वेट भी ज्यादा है, उससे वेट भी ज्यादा है, उसके किलो वेट है, उसके ऊपर आपका वेट भी ज्यादा है, और आपका 55 है, और इसका वेट अराउंड कितना 110 12 15 किलो होगा, इससे थोड़ा ज्यादा होगा आई थिंक। हाँ वही होगा 115 20 पकड़ लीजिए। अच्छा इसका वेट भी कम है, आपका वेट भी कम है, ठीक है, इसका इनिशियल भी बेटर है। तो इसमें इसमें क्या बोल सकते हैं अभी, कंक्लूजन क्या है? एक्चुअल में दोनों बाइक कांटे की टक्कर की है। हाँ वही चीज, दोनों बाइक ऑलमोस्ट सेम जा रहा है। इसका टॉप स्पीड कितना गया था? इसका अराउंड 116-17 गया था, 116-17। लेकिन इसमें भी आई थिंक थोड़ा तो स्पीड एरर है आई थिंक, हो सकता है भाई, क्योंकि क्योंकि तो टक्कर ये कितना गया था, ये 106-107 मैक्सिमम गया था, तब भी आप मेरे को पकड़ नहीं पा रहे थे, तब थोड़ा तो स्पीड एरर तो है। तो गाइस इसका जो बैटल है, और एक दिन कोई वीडियो में जरूर और एक बार हम लोग कंपेयर करेंगे। तो आज का जो विनर जो है फर्स्ट राउंड पे, ये विनर हुआ था, बाकी जो दो राउंड है ये विनर हुआ है। तो मेरा वेट भी हल्का है और अरिंदम का वेट भी थोड़ा ज़्यादा है, तो दोनों बाइक अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, हाँ कांटे की टक्कर है। हाँ स्टेबल तो है, लेकिन ये भी भाई मस्त स्टेबल है, ऐसे पतला पतला टायर लेके मस्त स्टेबल है। हाँ हाँ इसका इसका सबसे बढ़िया चीज लगा ब्रेक, भाई साहब क्या ब्रेक है, ऐसे दो बार दबाया गाड़ी रुक गया, और ये तो उछल कूद के जा रहा है। तो गाइस आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बाकी दोनों बाइक काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस किए हैं, आप लोग वीडियो में ऑलरेडी देख ही चुके होंगे। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग सेफ रहें, टाटा गाइस बाय।